चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। भाई, तुम्हें कितनी बार बोला है कि गाड़ी चलाते समय मुझसे झगड़ा मत किया करो। अच्छा, तो मेरा बात करना भी अगर तुम्हें झगड़ा ही लग रहा है तो मैं आज से बात भी करना बंद कर देती हूँ तुम्हारे साथ, यही चाहते हो ना तुम? मैंने ऐसा कब कहा? तुम कुछ भी सोच के अपने दिमाग में अदरवाइज इंटरप्रेट करने लगती हो। सीरियसली, आई डोंट हैव पेशेंस टू हैंडल दिस ऑल। तो अब क्या चाहते हो तुम? 5 सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है हमारे बीच। सोचा था यहाँ पे आकर शायद कुछ ठीक हो जाए, पर तुम अपने हरकत से कहाँ बाज आओगे जो हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, प्लीज माही, फॉर गॉड से बात करना बंद करो मेरे साथ। मैं नहीं चाहता और बहस करना, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ तो ठीक है, गाड़ी रोको, मैं यहीं पे उतर जाऊंगी। अगर हमारे बीच हमेशा झगड़ा ही होने वाला है तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। अब बीच रास्ते पे नाटक मत करो, दिमाग बहुत खराब हो रहा है मेरा। मैं नाटक करती हूँ, मैं झगड़ा करती हूँ, ये सब क्या है? आई एम सिक ऑफ दिस वर्ड्स, प्लीज स्टॉप द कार। अब गाड़ी से उतर के सबके सामने एक्टिंग करोगी कि मैं तुम्हें कैसे बेचारी बना के रखता हूँ? नहीं, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। तुमसे शादी नहीं करता तो ये दिन भी देखना नहीं पड़ता। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुमसे शादी कर ली मैंने। त्रिशान गाड़ी। त्रिशान और माही की अरेंज्ड मैरिज हुई थी, पर दोनों के बीच काफी बातचीत और शादी के लिए हाँ भरने के बाद ही उनके पेरेंट्स आगे बढ़े थे इस शादी के लिए। शादी से पहले माही अपना बीटेक खत्म करके जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रही थी और त्रिशान दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करके आयरलैंड में शिफ्ट होने वाला था। अब दोनों शादी के बाद से आयरलैंड के डबलिन में वेल सेटल्ड हैं, पर उनके बीच का रिलेशन अब कुछ इस तरह से है। ये सब क्या है माही? क्या क्या है, किस बारे में पूछ रहे हो? सब जान के ऐसे अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे दोस्त वो चार्ली से मिलने गई थी और उसके साथ आजकल बाहर घूम भी रही हो। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम अपने कॉलिग सिया के साथ हर जगह जा सकते हो तो मैं किसी लड़के के साथ बाहर जाने से तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? माही, मैंने तुम्हें हजार बार बोला है कि बाकी कोई भी दोस्त होता तो ठीक, पर ये चार्ली, ये बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। लड़कियों को कैसे इस्तेमाल करके उनसे फायदा उठाया जाता है वो अच्छी तरह से जानता है। एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हारी वो कॉलिग सिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके कपड़े देखे हो, कैसे रिवीलिंग टाइप पहन के सबको सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। फिर तुम्हारे साथ नॉर्मल कैसे रहती होगी वो? तुम उसके साथ क्यों घूमते रहते हो? माही, वो मेरी कॉलिग है और वो मुझसे क्या फायदा उठाएगी? अगर तुम अपने किए पर रोक नहीं लगा सकते तो मुझे भी ज्ञान देना बंद करो। मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। तुमसे तो बात करना भी बेकार है, मैं भी सुबह सुबह किस फालतू के आर्ग्यूमेंट में लग गया हूँ। त्रिशान, आई रियली लव्ड यू सो मच। मुझे ये नहीं पता था कि तुम शादी के बाद ऐसे बदल जाओगे। खैर, पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे ऑफिस निकलना चाहिए, प्रिशा आ रही होगी। लगता है आ गई। क्या माही, आज भी लड़ाई हुई है क्या? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? नहीं यार, छोड़ जाने दे, ये तो अब मेरा रोज का सीन बन गया है। तू ये सब बर्दाश्त क्यों करती है? अरे छोड़ देना त्रिशान को, तुझे तो कितने अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। यही तो नहीं कर पा रही हूँ मैं, और त्रिशान इसका फायदा उठा रहा है। तू उठाने दे रही है इसीलिए वो उठा रहा है, नहीं तो उसकी इतनी हिम्मत कि पत्नी के रहते हुए वो उस अधरंगी सिया के साथ टाइम स्पेंड करे? अरे मुझे ही देख ले, सिंगल हूँ, कितना खुश हूँ, सुकून से जीती हूँ, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। मैं जानती हूँ कि त्रिशान अब मुझे नहीं चाहता, वो उस सिया के साथ खुश है, पर मैं क्यों उसे छोड़ के जाऊं? अगर छोड़ना ही है
तो वो छोड़े मुझे, फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा चल अब ऑफिस चलते हैं। तुझे पता है वो चार्ली है ना, जो मेरे विल्ला के पास वाले विल्ला में रहता है। अरे आखिरी बार मिलाई थी उसे, वो तेरे बारे में पूछ रहा था कि माही का ऑफिस टाइमिंग क्या है, वो कब फ्री रहती है, और तो और तुझे क्या क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये भी पूछ रहा था। अच्छा तुमने क्या कहा? मैं हर बार जैसे बात को टाल देती हूँ वैसे ही टाल दिया। चलो उसके बारे में और कुछ बताती हूँ तुम्हें। अरे त्रिशान ऐसे अकेले काम कर रहे हो आज, क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सिया, ये प्रोजेक्ट बस खत्म करना था तो इसीलिए जल्दी जल्दी इसी काम में लग गया हूँ। अच्छा छोड़ो ना ये काम, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। एंड आई एम श्योर तुमने घर पे कुछ खाया भी नहीं होगा। खाया तो नहीं है, भूख भी लगी है, पर काम भी तो करना है ना मुझे। तुम जाओ सिया, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच ले आऊंगी। ओके तुम काम करो। थैंक यू सिया, तुमसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं समझता। ओके ठीक है, पर ये बात अपनी वाइफ को मत बोलना। मुझसे ज्यादा चार्ली को और कौन समझता है, माना कि वो तुम्हारे पति यानी कि त्रिशान के साथ सेम कंपनी में काम करता है, पर आई एम श्योर त्रिशान उससे बहुत जलता होगा, इसीलिए उसे कभी भी घर पे नहीं बुलाता। अरे जलेगा कैसे नहीं, कितना हैंडसम है वो, नहीं? हाँ है तो बहुत हैंडसम, लड़कियाँ उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। ऐसा मैं नहीं, मेरे पति बोलते हैं। देखा, इसका मतलब त्रिशान सच में जलता है उससे। ये क्यों कॉल कर रही है? पता नहीं कौन है। त्रिशान की माँ आयरलैंड आई है वो, और अपने किसी भतीजी के घर पे रह रही है। अब शायद हमारे पास घूमने आएंगी, इसीलिए कॉल कर रही हूँ। यार मैं ये सब ड्रामा अब टॉलरेट नहीं कर सकती, इनका बेटा और किसी के साथ अफेयर कर रहा है और मैं बहू बनके इनकी सेवा करूं। अरे तू रिसीव ही मत कर, इग्नोर मार दे। अजीब है, त्रिशान को कई बार कॉल कर लिया और माही को भी, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? लगता है दोनों ऑफिस के काम में बिजी होंगे। आज उनके पास जाने वाली थी मैं, अब क्या करूं? माँ का इतना सारा मिस्ड कॉल्स, आज इतने सारे मीटिंग्स अटेंड करने हैं और ऊपर से माँ का कॉल, बाद में फ्री होकर बात करता हूँ। त्रिशान बिजी हो? नहीं बोलो, कुछ काम था? आज तो बहुत काम है हमें, और ऊपर से फ्राइडे भी, ऑफिस आर के बाद पार्टी करें? हाँ ठीक है, वैसे माही बोल रही थी आज रात को वो प्रीशा उसके दोस्त के घर पे रुकेगी, हम पार्टी करने मेरे घर पे चलते हैं ना? ओके मैं बाकी के टीममेट्स को बोल देती हूँ। या फाइन। माही अभी तक काम कर रही है, चल चलते हैं ना। प्रीशा तू जा यार, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, मैं आज तेरे घर पे नहीं आ सकती। पर मैंने चार्ली को बोल दिया है, वो भी आ रहा होगा। आई सो विश कि मैं पार्टी अटेंड कर पाती, पर आई एम नॉट फीलिंग वेल, घर जाकर रेस्ट करने को मन है। ओके एज यू विश, बाय बाय। शाम को ऑफिस का काम खत्म करके माही घर के लिए निकलती है। सिया तुम अकेली आई हो, बाकी सब कहाँ गए? आ रहे होंगे, मुझे तुमने बोला था कि पार्टी का सारा अरेंजमेंट करने को, और मैं ये सब खरीद के सीधा आ गई, वो सब आ ही रहे होंगे। चलो ना हम रेडी करते हैं। ओके। त्रिशान और सिया पार्टी के लिए सारा सामान अरेंज कर रहे थे कि तभी लगता है आ गए। मैं देखती हूँ, तुम यहाँ पे, तुम यहाँ तक पहुँच गई माही। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।